जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग बढ़िया ऑडियो वीडियो क्लियर है बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दीजिए गुड आफ्टरनून भाई गुड आफ्टरनून सभी को चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन जो है हमने आपको पीजीडब्ल्यू दिया था घर से करके आने के लिए ठीक आज जो है कुछ आसान आसान सवाल से पहले शुरुआत करते हैं फिर अच्छे लेवल के सवालों पे भी हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़े से आसान होंगे ठीक है चलो बहुत बहुत अच्छी बात है एक बार सवाल देखो आप लोग सर्दी है थोड़ा सा ठीक है कॉपरेट करेंगे आ जाइए तो पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं ताकि ये आसान सवाल है जब आसान सवाल हम लगा लेंगे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा तो हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे सवाल में क्या बोला गया है सवाल में आपसे बोला गया है एबीसी और डीईएफ जो है वो सिमिलर है मतलब समरूप है उनके पेरीमीटर का अनुपात चौंसठ और अड़तालीस का है ठीक है अनुपात नहीं है चौसठ और अड़तालीस उनका परिमाप है पेरीमीटर है ठीक है, बोला गया अगर AB की जो लंबाई है वो पता करिए अगर DE की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, है, पूछा गया CHSL में? एकदम सिंपल आंसर इसमें बताओ मुझे। आप बोलोगे सर एबीसी में एबीसी का पेरीमीटर कितना है तो चौसठ है और एफ का पेरीमीटर कितना है तो बोलेंगे सर एफ का पेरीमीटर अड़तालीस है ये इनके पेरीमीटर का रेशियो है किसका है ये एबीसी वाले में ट्राइंगल में है और ये एफ वाले में है। तो इनके जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वही इनके साइड का भी रेशियो होगा तो ए बी का साइड कितना है तो देखोगे तो ए बी में बोलोगे सर ए बी में आप क्या ले रहे हैं ए बी में ये ए बी ले रहे हैं तो अगर हम ए बी ले रहे हैं तो हम डी ही पता कर पाएंगे अगर हम बी सी लेते तो हम ई एफ पता करते हैं अगर हम ए सी लेते तो हम डी एफ पता करते हैं तीनों में अलग अलग केसेज हैं समझ में आ गई बात तो यहां पर अगर हम ए बी को उठा रहे हैं तो यहां डी को उठाएंगे सवाल में बोला गया है बी का लंबाई बताओ तो डीई का मान कितना दिया गया है तो AB का अगर यहां लिखेंगे तो डीई का मान कितना होगा नौ होगा ठीक है यहां से आप सॉल्व करेंगे सवाल में तो आपको पता है आठ से आठ बार में चौसठ आठ का 6 गुना हो जाएगा बारह से काट लो सीधा ठीक है सोलह सोलह का तीन बार में और सोलह का चार बार में तीन से कटेगा तीन बार में ए बी का मान आ जाएगा बारह बी का मान कितना आ जाएगा बारह जाएगा अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बताएं यहां पर क्यों हमको ये बी और डी एफ बता रहे थे देखो पता है क्या है आपको इस साल के सीजन में सवाल क्या दिया गया था वो भी देख लो सेम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी था और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में सेम एबीसी जो है वो डी एफ के सिमिलर भी था इसका पेरीमीटर चौसठ था उसका पेरीमीटर अड़तालीस था ठीक है और सवाल में आपको कहा गया था ए बी का लेंथ बताओ डीई e का मान हमसे नौ दे दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में मेरी शब्दों को सुनना बड़े ध्यान से ठीक है और सेम क्वेश्चन आने के बाद क्या हुआ था माइडियर सेम क्वेश्चन आने के बाद सवाल में ये था कि हमसे डीई एफ e, का मान जो है देखो सवाल में डीई का मान जो है वो नौ था उसके बाद ई का मान जो था वो बारह था और मान लो डी का मान मान लो यहाँ पर कितना था डीएफ का मान मान लो यहाँ पर सत्रह था ठीक हमसे ये सवाल में बोला गया था कि डीई का मान नौ है ई का मान बारह है यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं और डीई का मान कितना था डीई का मान हमारा नौ था सेम क्वेश्चन इस लाइन को मान लो यहाँ से हटा देते हैं कुछ पल के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लो मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को समझो कि आपको बोला गया पेरीमीटर चौसठ और अड़तालीस था ठीक, का मान हमसे पूछा गया था हमसे ई एफ एफ का मान और का मान हमसे मान लो दिया गया था अब होता क्या है बच्चा सोचता है कि भैया सिमिलैरिटी लगाएंगे ठीक है लेकिन कैसे लगाएंगे ठीक है कैसे लगाएंगे सिमिलैरिटी तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑलरेडी सवाल में बोला गया है एबीसी जो है वो डीई एफ के सिमिलर है अगर उनके पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है तो पेरीमीटर का रेशियो लिख लो इन रेडियस का दिया गया इन रेडियस का लिख लो सरकम रेडियस दिया गया सरकम रेडियस लिख लो जिसका भी रेशियो दिया गया वो उठा लो तो बोलोगे पेरीमीटर एबीसी के सामने एबीसी का पेरीमीटर डीईएफ के सामने डीईएफ का पेरीमीटर अब एक बात को मेरे ध्यान रखना मुन्ना अगर तुम्हें ए बी निकालना है ना तो तुम्हे डीई e का मान लेना पड़ेगा इस बात को ध्यान रखो यानी अगर आप यहाँ पर ए बी लिख रहे हो तो उसके बट्टे में क्या आएगा तो उसके बट्टे में डीई e आएगा अगर मुन्ना यहाँ पर तुम बी सी लिख रहे हो ना तो इस बात को ध्यान रखो आखिरी के दो लीटर ले रहे हो तो यहाँ पर भी आखिरी के दो लीटर लेना यानी अगर तुम बी सी निकाल रहे हो तो तुम्हें किसका मान है ई एफ का मान लेना पड़ेगा उसी तरीके से अगर पहले और आखिरी ए सी को उठाते हो ना तो तुम डी और एफ को उठाओगे तो यहां बोलोगे कि सर अगर हम ए सी को उठाते हैं तो डी और एफ का मान उठाएंगे इसलिए हमें यह बात पता होना चाहिए कि ए बी के लिए डी की आवश्यकता है तो हम सिर्फ डी का मान उठाएंगे ना कि ई और एफ का उसी तरीके से ईएफ का मान कहाँ लगाना है डीएफ का मान कहाँ लगाना है ये बात हमें पता होना चाहिए अगर ये बात हमें नहीं पता है तो हम सवाल में बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं ठीक है ध्यान रहेगा बताओ जल्दी से <laughs> कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको क्लियर रखनी है ठीक आ जाओ चलो इस सवाल को डिलीट कर दिया जाए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है दोनों का पेरीमीटर अठहत्तर और छियालीस है अगर PQ का मान दिया गया है तो AB का मान पूछा है तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ABC का पेरीमीटर कितना है तो बोलेंगे सर ABC वाले का पेरीमीटर अठहत्तर है ठीक है उसके बाद PQR का पेरीमीटर कितना है तो छियालीस है समझ में आ गया बात एबीसी वाला यह है हमारा इस बात को ध्यान रखो लिख लेना साइड में पीक्यू आर वाले को हम नीचे लिख रहे हैं अब हमसे जो है किसका मान दिया गया हमसे पी क्यू का मान दिया गया है अगर हमसे पी क्यू का मान दिया गया है तो हमसे ए बी का ही पूछा जाएगा इस बात को आप सौ प्रतिशत ध्यान रखें अगर आपका एग्जामिनर बीसी पूछ देता है तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा इस बात को ध्यान रखना पी क्यू देगा तो ए बी ही पूछेगा बीसी पूछ दे एसी पूछ दे कैन नॉट बी डिटरमाइन सीधा सा तो हमसे पी क्यू का मान दिया गया ग्यारह दशमलव सात पी क्यू वाले को कहा लिखेंगे

ठीक है कहाँ का क्वेश्चन है वो भी देख लो 2012-2013 का नहीं है 2019 के मेंस का क्वेश्चन है ये जो 2018 में मेंस हुआ था 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख तो 12 तारीख अच्छा शिफ्ट था उसका क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया तो मेंस के भी क्वेश्चन देखो सिमिलैरिटी क्या बना पा रहे हो सेकेंडो सेकेंडो में बना पा रहे हो ठीक है चलो आ जाओ उसी तरीके से देखते हैं दो तीन सवाल और फिर भी देख लो, लगे दो है, और PQR, दोनों के एरिया का अनुपात दिया गया है तो हम यहां पर लिखेंगे ठीक है भैया एबीसी वाले तुम पहले दिए गए हो पी क्यू आर वाले तुम बाद में दिए गए हो एरिया का अनुपात कितना है जनाब तो बोलेंगे सर एरिया का जो अनुपात है एबीसी वाले का कितना है तो पहले एबीसी का दिया गया है चौसठ फिर पी क्यू आर का दिया गया है इक्यासी ये इनके एरिया का अनुपात है फिर उसके बाद बोला गया है एडी और पीटी उनके मीडियन है ठीक है अगर पीटी का मान दिया गया है तो हमसे एडी का मान पूछा है कोई फर्क नहीं पड़ता है देखिए आप ऐसे समझिए ये इनके क्या है तो एरिया का अनुपात है इसका जब हम रूट अंडर करेंगे तो हमें किसका आएगा हमें साइड का अनुपात चाहिए तो एरिया का अनुपात चौसठ और इक्यासी रूट लगा देंगे चौसठ का कितना हो जाएगा आठ और इक्यासी का कितना हो जाएगा नौ यानी एबीसी में हर जो साइड होगी जितनी भी साइड होगी चाहे वो साइड है चाहे वो एल्टीट्यूड है चाहे वो मीडियम है चाहे वो इन रेडियस है कुछ भी है तो उसकी वैल्यू आठ होगी या आठ के रेशियो में होगी ठीक है और पी की कितनी होगी नाइन में यानी इनके इन रेडियस का भी शो आठ रेशनो इनके पेरीमीटर का भी रेशो आठ रेशियो हो ठीक है इनका जो त्रिज्या है अंतर त्रिज्या बाहर त्रिज्या सब कुछ का मतलब आठ रेशियो नौ हो जाएगा ठीक है हमें फोटो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसीलिए तो मैं बिना फोटो बनाए आपको सिखा रहा हूं अब सवाल में हमसे पीटी वाले का मान दिया गया है पीटी वाले का मान पीटी क्या है मीडियन मीडियन है है मत बनाओ फोटो एक के मीडियन का मान दिया गया है। और बोला देखो सवाल में बोला है ना एडी और पीटी जो है वो मीडियन है माधिका है तो अगर पीक्यू आर वाले का माधिका दिया गया है तो आपको एबीसी का माधिका पूछा इसमें गलत क्या है तो आप बोलेंगे सर पी क्यू आर वाले का माधिका कितना दिया गया है पीक्यू आर

छब्बीस नंबर में आ जाओ सत्ताइस नंबर में सत्ताईस नंबर सवाल में देखो क्या बोला गया है एबीसी जो है वो पैरल है सत्ताईस से पहले इसका जो है ना सत्ताईस को भी करेंगे आ जाओ यहां पे अब आ जाओ एबीसी जो है वो डीई एफ के सिमिलर है समानांतर है सॉरी समरूप है और बोला गया है कि एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो तेरह दशमलव पांच है और डीईएफ का क्षेत्रफल जो है वो कितना है चौबीस है अगर यहां पर हमसे बीसी का मान दिया गया है तो ई एफ का ही मान निकालने को कहेगा और पक्का देखो ई एफ का मान निकालने को कहा गया है किसमें पूछा गया है 2020 दो हजार बीस अभी दो महीने जो पहले पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है तो आप बोलेंगे ठीक है सर ये एबीसी हमारा हो गया है और यहां पर हमारा डीईएफ हो गया है हो गया ना यहाँ पे एबीसी का क्षेत्रफल कितना है तो बोलेंगे सर है है तो है एबीसी का का क्षेत्रफल क्षेत्रफल और कितना तो इनका रूट लगाते हैं तो क्या आता है इनका रूट लगाने पर मेरे भाई रूट लगाने पर ठीक है अनी गोयल कहते हैं आई वॉन्ट टू लिसन माई नेम बाई यू चलिए अनी गोयल आपका नाम हमने ले लिया आप बताइए खुशी हुई मिलकर चलो तो आ जाओ यहां पर सवाल की बात करें तो एबीसी और डीईएफ ठीक है इनके रेशियो का जो है ना एरिया का दे रखा है कि साढ़ा तेरह है और चौबीस है तो यहां पर हमें पता है कि भैया तुम एरिया का रेशियो हमको दोगे तो हम तुम्हारा रूट अंडर करेंगे तो हमको साइड का रेशियो आएगा लेकिन इसका रूट कैसे करे चौबीस कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है साढ़ा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपको हर जगह हमने पढ़ाया है कि अगर हमें इसका रूट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले इस दशमला को खत्म करो दशमला को खत्म देखो यहां पर अच्छे से बना रहा हूं तेरह दशमलव पांच है और यहाँ पर चौबीस है इसके अंदर रूट लगा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले तेरह दशमलव पांच का दश, दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा तो बोलोगे सर नीचे जो है वो यहाँ पर दस आएगा आगे आपका दस कोई दिक्कत की बात पांच से काटेंगे तो पांच से दो बार में पांच से सात बार में पांच से काटेंगे तो दो बार में तीन से काटेंगे तो आठ बार में जाएगा तीन से काटेंगे नौ बार में जाएगा तो आ जाएगा नौ बटे में सोलह कितना आ जाएगा नौ बटे में सोलह और नौ बटे सोलह का रूट निकाला जा सकता है कि नहीं बताइए नौ बटे सोलह का रूट निकाला जा सकता है कि नहीं बिल्कुल नौ का रूट कितना होगा तो बोलेंगे सर तीन होगा सोलह का रूट कितना होगा तो चार होगा एरिया का रेशियो दिया गया था कोई फर्क नहीं पड़ता एरिया का मान से हमने एरिया से क्या निकाल दिया एरिया से हमने साइड निकाल दिया साइड का रेशियो कितना आएगा तीन अनुपात चार किसका मान दिया गया है बीसी का मान दिया गया बीसी किस में आता है ऊपर वाले में तो ऊपर वाले का मान कितना दिया गया है तीन दशमलव एक पांच दिया गया है ठीक है और हमसे किसका मान पूछा ई का यानी नीचे क्या लिखेंगे ई लिखेंगे आप तीन से काटो तो 1.05 देखो आप एक पल के लिए दशमलव भूल जाओ आप दशमलव बाद में लगा देना देखो यहां पर ई लिखोगे तो ई एफ यहां गुना होके जाएगा तो क्या आ जाएगा तीन दशमलव एक पांच इन चार और बट्टे में कितना आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा तीन एक पल के लिए मैं आपको देखो गुना करना सिखा रहा हूं आप गुना कैसे करेंगे आप बोलेंगे मान लो आप दशमलव भूल जाओ आप अपने मन में क्या है आप तीन सौ पंद्रह को तीन से काटोगे तो कितना तीन सौ पंद्रह को तीन से एक सौ पांच आएगा एक सौ पांच का चार गुना कितना होगा चार सौ बीस होगा कितना होगा चार सौ बीस होगा अब यहां पर देखो तो दशमलव के बाद दो स्थान थे तो ऐसा लगाना दो स्थानों के बाद यहां दशमलव लगा देना यानी फोर पॉइंट टू जीरो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुत बच्चे क्या कर हैं, उड़ाते हैं, नीचे बार में। एक का चार, चार सौ बीस हो गया यहाँ पर दशमलव जो है आपको ध्यान रखना था कि दो अंक है तो दशमलव के बाद दो अंक आने चाहिए फोर पॉइंट इज द करेक्ट आंसर अब बोलेंगे सर आपने फोर पॉइंट टू जीरो को फोर पॉइंट टू कैसे लिख दिया तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो चार दशमलव दो चार दशमलव दो जीरो चार दशमलव दो डबल जीरो चार दशमलव दो तीन बार चार बार पांच बार जीरो ये सब के सब आपस में क्या है बराबर है क्योंकि दशमलव कोई संख्या के बाद आप कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका मान बराबर होता है उसका मान क्या होता है बराबर होता है ठीक है उसका मान जो होता है बराबर होता है बच्चे कह रहे सर प्लीज फिगर बना दो अरे क्या सो सर इसमें क्या फोटो बनाओगे तुम बताना जरा है क्या फोटो बनाओगे इसमें तुम सिंपल बोला गया ए बी सी है डीई एफ है एरिया है एगो का साइड दे दिया है बीसी का साइड दे दिया का मान क्या फोटो बनाओगे इसमें अगर इतना फोटो फोटो बनाने वाला आदत रख लोगे तो समझ जाओ सिलेक्शन से कितना दूर जा रहे हो ठीक है सिलेक्शन से आप कितना दूर जा रहे हो जरा वो भी देख लो बहुत महत्वपूर्ण ये बातें रखती हैं आपके जीवन में कि आप अपने आप को कहां लेके जा रहे हैं समझ में आया बात या नहीं आया सिमिलैरिटी में फोटो क्या बनाना जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं खुद यहां पर हूं आप चिंता ना करें उसकी अब सवाल नंबर देखिए आप लोग अपने अपने शीट में देखिए जो शीट हमने आपको दिया उसके बाद देखिए उसमें क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 26 आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिख रहा है बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 26 uh, 26 तो यार है ही हमारे पास ना एरिया ऑफ एबीसी पी क्यू आर छब्बीस का तो है हमारे पास पीपीटी है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 26 तो बना ही लिया था ना क्वेश्चन नंबर 26 बना लिया था 30 के बाद हमें देखना था एबीसी स्ट्रेट लाइन पैरल ज्वाइनिंग हटाएंगे क्वेश्चन नंबर इकतीस दिख रहा है आपको क्लियरली विजिबल है बताइए क्या आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर इकतीस दिख रहा है बताओ इसको फुल में कैसे देखते हैं मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा एक मिनट आप लोग थोड़ा सा मुझे समय देंगे एक मिनट का आप समय देंगे थोड़ा सा मुझे ठीक है समय काफी जरूरी है है अब सवाल में देखिए जो दो तीन स, दो तीन मिनट आपका जो है समय खराब हुआ उसके लिए क्षमा चाहेंगे एक्चुअली में है क्या कि आ, अभी जो है राइट right ना वो टाइपिस्ट नहीं है तो टाइपिस्ट नहीं है तो थोड़ा सा पीपीटी बनाने में आ, काफी समस्या का मुझे सम, आ, सामना करना पड़ रहा है ठीक है काफी प्रॉब्लम आ रही है पीपीटी बनाने में और रात में मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से आगे की के क्वेश्चन के पीपीटी नहीं बने थे तो इस वजह से जो है आगे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो हम यहाँ से पीडीएफ देख लेंगे और अपना सोल्यूशन यहाँ पर नोट कर लेंगे है बहुत सारे क्वेश्चन की हैं चंद सवालों के हमें जो है पीपीटी देखने हैं और इससे फायदा ये भी होगा कि हम सवालों को जो है क्या कर पाएंगे आ, सेकेंडो सेकेंडो में बना पाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इकतीस भी देखो जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे करते चलो हाई लेवल के सवाल है उनकी पीपीटी बनी हुई है आराम से देखेंगे परेशानी की कोई बात नहीं है क्वेश्चन नंबर इकतीस में देखिए क्वेश्चन नंबर इकतीस में आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर इकतीस में एबीसी जो है वो आरक्यू के क्या है समरूप है सिमिलर है उसके बाद बोला गया है यहां पर एबी वाले का मान चार है बीसी वाले का मान छ है और एसी वाले का मान कितना है पांच है जैसा कि मैंने आपको कहा था एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों साइड देगा और मैंने आपको यह भी कहा था कि सीजीएल में यह सवाल पूछा गया है आपको पता है इतने कॉन्फिडेंस है मैं क्यों कह पाता हूं क्योंकि पूरे पिछले तीन सालों का जो प्रीवियस ईयर है ना वो मेरे इस माइंड के स्टोरेज में फुल है और यहां पर वो स्टोर है मुझे ये पता है कि ये सवाल अगर कब आया था तो पेपर में किस तारीख को आया था किस एग्जाम में आया था किस शिफ्ट में आया था मुझे यहां तक एक डेटा याद रहता है और जब मैं एनालाइज भी करता हूँ पैटर्न को तो मुझे ये भी दिखता है कि बे यार ये तो सवाल अभी सी में पूछा गया था सीजीएल के मेस में आ गया ये सवाल सीजीएल में पूछा गया था एम में आ गया इस वजह से मैं कहता हूँ कि पिछले तीन सालों के क्वेश्चन को जरूर लगाओ मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन भी जो बनाया सेम पैटर्न पर बनाया ए भी देगा बी सी देगा ए देगा हमसे इनके एरिया का अनुपात एरिया का अनुपात है अनुपात चार और हमसे पी क्यू का मान पूछेगा अब माय डियर आप यहां देखो तो आपसे किसका मान पूछा जा रहा है आपसे पी क्यू का मान पूछा जा रहा है आपसे आप किसका मान पूछा जा रहा है तो आपसे जो है पी क्यू का मान पूछा जा रहा है यहां पर ये यह जो पी क्यू है ना इस पी क्यू का मान हमसे पूछा जा रहा है अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहां पर समझेंगे अब मान लो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है हमारा

दो आएगा यहां पर PQ का मान दिया गया है ठीक है और PQ का मान पूछा गया है हमसे। अगर हमें PQ का मान बताना है, तो हमारे पास AB का देखो, PQ बताना है, तो BC के मान को लेंगे। कितना है तो है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भैया देखो हमसे जो है यहां पर बोला गया ना एबीसी सिमिलैरिटी देखते चलो एबीसी एबीसी जो है अगर हमें PQ का मान, RQP है ना आर अगर हमें यहाँ पर पी क्यू का मान बताना है तो BC का मान लेना पड़ेगा BC का मान सवाल में 6 है तो QP का मान कितना होगा बता दो तीन का दोगुना तो दो का दोगुना कितना होगा यहाँ पर QP का मान जो होगा वो कितना होगा यहाँ पर तो दो का दोगुना चार होगा क्लियर है दो का दो गुना कितना होगा चार होगा समझेंगे बिना पेन उठाए भी कर सकते हो ठीक है देखो यार एरिया का एबीसी का अनुपात हमारा तीन है और दो है तो हम एरिया का अनुपात कितना लिखेंगे तीन अनुपात दो लिखेंगे सवाल में उसके बाद हमें जो है पीक्यू का मान बताना है पीक्यू का मान बताना है तो बीसी का मान लेना पड़ेगा बीसी का मान कितना है बीसी का मान छ है तो बीसी का मान छ लेंगे तभी हम पी का मान बता पाएंगे तीन का दोगुना छह होता है ठीक है तो क्यू का मान कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक कितना हो जाएगा चार हो जाएगा एक, एक स्टूडेंट आठ वटे तीन बता रहा है आठ वटे तीन नहीं होगा कितना आंसर आएगा चार आएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस बात को ध्यान दीजिए अगला सवाल पे आ जाइए अगला सवाल देखिए यहां पे अब अगले सवाल को देखिए आप अपने शीट में देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इकतीस था अब क्वेश्चन नंबर इकतीस के बाद आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में भी देखिए एडीबीडी बाद में देखेंगे एरिया का अनुपात दे रखा है बिल्कुल ट्रेपीजियम का पूछा गया है ये बाद वाला है ठीक है अब जो है सवाल में हम लोग बिना पैन उठाए भी बना सकते हैं हमारा इतना लेवल आ चुका है बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं आप लोग सवाल को देखते चलिए अब ये सवाल में देखेंगे आप तो बोला गया है एबीसी जो है वो पी क्यू आर का क्या है समानांतर है सॉरी सिमिलर है समरूप है आपको इनका एरिया का अनुपात 16 और एक दिया गया 16 का रूट लगाने पे 4 आएगा 169 का रूट लगाने पे 13 आएगा 16 का रूट लगाने पे 4 आएगा यानी एबीसी का और पी क्यू आर का या पी आर क्यू जो भी है इनके साइड का रेशियो कितना होगा चार अनुपात तेरह चार अनुपात तेरह चार अनुपात तेरह कैसे आया सोलह का रूट करने पे चार और एक का रूट

वो किसके बीच में है तो एबीसी और पीआरक्यू के बीच में है किसके बीच में है एबीसी और ू के बीच में है तो यहां पर एबीसी को लिखेंगे और फिर यहां पर हम पी आर क्यू को लिखेंगे एरिया का रेशियो है 16 और 169 एरिया के रेशियो से साइड का रेशियो आ जाएगा 4 अनुपात 13 ठीक है सवाल में हमसे पूछा गया है ये का का मान मान बताओ तो PQ बताने के लिए एसी का मान को लेंगे ठीक है सवाल में पी क्यू का मान पूछा गया एसी का मान कितना है वाई है तो यहां पर आप एसी का मान को वाई ले लो और यहां पी क्यू का मान आ जाएगा तो पी क्यू का मान कितना होगा डियर तो बोलोगे सर तेरह बटे चार कितना आ जाएगा तेरा वाई बटे चार तेरा वाई बटे चार एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वाई बटे चार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो हो जाएगा जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है चलो बहुत शानदार बहुत अच्छे आंसर आ रहा है सभी का इसी तरीके से यहां पर आ जाओ और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपके शीट में इसी कंसेप्ट दिए गए हैं ठीक है थीके? अब यहां पर देखो सिर्फ इतना इंग्लिश ही पढ़ लो हिंदी की इसमें मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है सवाल में देखो क्या बोला गया है एबीसी डीई एफ के सिमिलर है एबीसी और डी एफ का रेशियो चार अनुपात नौ है ए बी का मान जो है वो छह है और बी सी का मान आठ है ए सी का मान दस दिया गया है हमसे डी एफ का मान पूछा है हमसे डी और एफ का मान पूछा है इनके एरिया का रेशियो चार अनुपात नौ तो साइड का रेशियो दो अनुपात तीन होगा इसकी प्रत्येक भूजा दो इसकी प्रत्येक भूजा तीन ठीक है हमसे डी एफ का मान पूछा है तो हमसे ए सी का मान देखना पड़ेगा ए सी का मान कितना है तो बोलेंगे सर यहां पर ए सी का मान दस दिया गया है ठीक है यानी दो यूनिट का मान दस है यानी अपने आप का तीन गुना है देखो अपने आप का पांच गुना है एबीसी का देखो एरिया का रेशियो चार और नौ चार और नौ साइड का रेशियो दो और तीन साइड का रेशियो दो और तीन दो का पांच गुना दस सेंटीमीटर तो तीन का पांच गुना पंद्रह हमारा आंसर होगा पैंतीस का आंसर कितना होगा पैंतीस का आंसर जो होगा वो हमारा पंद्रह इज द करेक्ट आंसर कितना होगा देखेंगे तो पंद्रह जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा बात खत्म पंद्रह इज अ करेक्ट आंसर देखो यही बात यहां हिंदी में भी बोला गया है तो जो पंद्रह होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखो डी डी और ई पॉइंट सच दैट है, D है सभी ये 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 सभी वाला जो कैटेगरी है वो दूसरा कैटेगरी है इस कैटेगरी को हम बाद में देखेंगे ये वाले कैटेगरी को पहले इस कैटेगरी पर जितने भी सवाल है ना शीट में वो देख लेते हैं ठीक है सेम तरीके से एक ट्राइंगल स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन वाले बाद में देखेंगे तबाही मचा दिया है अब देखो एक और क्वेश्चन है चालीस नंबर भी दोनों के एरिया का अनुपात नौ अनुपात चार है साइड का रेशियो तीन अनुपात दो होगा हमसे पी आर का मान पूछा गया है पी आर का मान पूछा गया है तो बीसी का मान बताएंगे ठीक है यहां का प्रत्येक साइड तीन होगा यहां का प्रत्येक साइड दो यूनिट में होगा तो बीसी का मान देखो बीसी का मान कितना है पंद्रह है तीन का कितना गुना है पांच गुना है तो दो का पांच गुना कितना होगा दस उत्तर होगा सीधा का सीधा दस टिक करो बात खत्म डी में दिख रहा है आपको सवाल में ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर एरिया का रेशियो नौ और चार का साइड का रेशियो तीन अनुपात दो का यहां का प्रत्येक साइड तीन तीन के सामने बीसी का मान कितना आएगा पंद्रह आएगा तीन का पांच गुना पंद्रह है तो दो का पांच गुना बताना है दो का पांच गुना कितना होगा दस होगा यह सवाल अब आपके सीपीओ में पूछा गया था तो ऐसे बहुत सारे सवाल है आपके शीट में ऐसे बहुत सारे सवाल है आपके शीट में और ऐसे जितने भी सवाल होंगे अब वो सवाल मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा ठीक है इस बात को ध्यान दो जितने सवाल होंगे ना ऐसे शीट में जहां पर आपको एबीसी पी क्यू आर डी क्यू आर फलाना धमकाना चिमकाना जो भी दिया गया होगा वो आपको करना है ठीक ऐसे जितने भी कैटेगरी होंगे जहां पर आपको यह दे दिया जाएगा ये दो ट्रायंगल है ठीक है इसके एरिया का रेशियो इतना है इनके एक अल्टीट्यूड का मान है तो इसका एल्टीट्यूड का मान बताओ इसका पेरीमीटर का मान इतना, का मान इतना है इसका पेरीमीटर का बताओ आप समझ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है तो यह सिमिलैरिटी का पहला टाइप होता है ठीक है पहला टाइप क्या क्या होता है दोबारा से समझ लो जैसे दो तो एक हो तो गया आपका ऐसा कि ये आपके दो ट्राइंगल दे दिए जाते हैं दोनों ट्राइंगल में कोई एक रिलेशन दे दिया है या तो दोनों का एरिया का रेशियो दे दिया जाए या दोनों के पेरीमीटर का रेशियो दे दिया जाए और हाइट साइड फलाना सब कुछ पूछे इसके ऊपर के सारे सवाल मैंने करवा दिए ठीक है और जो बाकी बचे हैं वो आप करेंगे अब जो दूसरा कैटेगरी होता है वो क्या होता है दूसरा कैटेगरी आपका आता है ये वाला जिसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस कुछ को आप लोग अभी करने वाले हैं ये दूसरी कैटेगरी क्या होती है दूसरी कैटेगरी आपकी ऐसी होती है कि ये एबीसी नाम का एक त्रिभुज है और एबीसी नाम के त्रिभुज में दो तरह के सवाल बनते हैं बड़े ध्यान से समझना एक तो आपको ये बोलता है कि जो डीई है वो क्या है डीई इसके समानांतर है ठीक है आपको एडी का मान मान लो तीन दे देगा इसका मान चार दे देगा ठीक है या बोलेगा तीन अनुपात चार में है इसका मान बोलेगा इसका मान पूछेगा बताओ कितना है अब ये कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि इसके सामने वाली, तो वाली गुनी तो होगा? होगा। तो दे फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर बनाएगा वो क्या बनाएगा वो देख लो दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ऐसा बना सकता है कि आपके पास एक ट्रैंगल है ये ट्रेंगल है ए बी और सी नाम का एक लाइन है जो पैरल है और वो लाइन पैरल है डीई नाम की इसकी एरिया मान लो एक यूनिट दे दी जाएगी ठीक है या इसकी एरिया ऐसे बोले जाएगी कि इसकी एरिया 16 यूनिट है बता दो इसका एरिया कितना होगा कब जब आपको साइड का वैल्यू एक अनुपात दो दिया जाएगा जब आपका साइड का वैल्यू एक अनुपात दो एक अनुपात तीन एक अनुपात चार ऐसे करके तो आप बोलेंगे देख भाई एक का जो है अगर साइड का रेशियो एक अनुपात दो है तो आपको कल ही पढ़ाया था एरिया का रेशियो क्या होगा वन और देखो छोटे वाले का साइड एक है तो छोटे वाले का एरिया एक का स्क्वायर एक बड़े वाले का साइड कितना है दो जमा एक तीन तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा नौ होगा बड़े वाले

तो एक का मान 16 तो नौ का मान कितना 144 तो उस केस में पूरे ट्रायंगल का आप पूछा जा सकता है, या ये का आप पूछा जाता है. तो यहां पर एक में से सोलह घटा दोगे तो तुम्हारा ये वाला मान निकल जाएगा चौदह में से छह गया तो आठ हो जाएगा तुम्हारा तीन में से एक गया दो एक जो है वो किसका है तो एक बीच वाले का एरिया है ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे फिर तीसरा

दे देगा और बोलेगा एक्स का मान बताओ कितना होगा अब यहां पर भी आपको सिमिलैरिटी पूरा लगाना हमने सिखाया है हमने आपको कहा कि देखो इस के सामने कितना है तो बारह है तो बारह लिखना छोटे वाले में कौन से में कौन मान लो यहां पर एडीई नाम का ट्राइंगल है अब ADE में एंगल ए दोनों का एक एंगल बराबर फिर छोटे वाले एडीई में देखोगे तो ये वाला एंगल और बड़े वाले का एबीसी देखोगे ये वाला एंगल अब जब दोनों के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा सिमिलैरिटी लग जाएगा

यहां पर एरिया नहीं पूछता है इस सवाल में एरिया नहीं पूछेगा क्यों एरिया नहीं पूछेगा क्योंकि ये रेखा समानांतर नहीं है आप कह ही नहीं सकते यहां पर समानांतर है क्यों देखो जब रेखा समानांतर होती है ना तो आपको कल अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि जिस रेशियो में ये दोनों होंगे यानी इसका छोटा और इसका बड़ा उसी रेशियो में इसका छोटा इसका बड़ा उसी रेशियो में इसका छोटा इसका बड़ा लेकिन यहां पर कहानी वैसे नहीं होती है यहां पर इसका कोई छोटा और इसका कोई बड़ा नहीं है बस इसके कोनों के सामने लेना पड़ता है तो उस केस में एरिया तो निकाल सकते है ऐसा नहीं है एरिया का रेशियो नहीं आएगा एरिया का रेशियो आ जाएगा अब यहां पर देखोगे छोटे वाले का साइड 12 है और बड़े वाले का साइड 25 है तो छोटे वाले का 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा यानी एरिया का रेशियो यहां भी बन सकता है लेकिन यहां पूछा नहीं जाता है पेपर में समझ में आ गया बात जैसे अब इसके कोन के सामने 12 है और इसके कोन के सामने 25 है तो इसका जो एरिया होगा 12 का स्क्वायर 144 और इसका जो एरिया होगा वो 25 का स्क्वायर 625 इस तरीके से जैसे छोटा सा ही एग्जांपल आपको देते हैं मान लीजिए आप यहाँ पर एक ट्रायंगल लगा रहे हैं एक आप ऐसी रेखा खींच रहे हैं ठीक है ये वाला कौन आपके इस वाले कोन के बराबर है इस कोन के सामने की भूजा दस है और बाहर वाले कोन के सामने की भूजा मान लो ग्यारह है आपसे सिंपल बोलता है जो अंदर वाला ट्रैंगल है इसका और पूरे वाले ट्रैंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा बता दो क्या बोलोगे इसके सामने 10 है और बड़े वाले के सामने है। अगर इनका साइड का है, तो एरिया का रेशियो यहाँ भी पूछा जा सकता है तो ये जितने भी सवाल है ठीक है जितने टाइप बन सकते हैं बहुत बार क्या होता है पूछा जाता है आपसे पेरीमीटर कैसे पूछा जाता है वो देखो आपको आपको दे देगा ठीक है और आपको बोलेगा मान लो एक लाइन ऐसे दे दिया मैंने मान लो यहां पर ठीक है एक लाइन थोड़ा सा मैंने मान लो यहां पर ऐसे दे दिया और मैंने कहा ये वाला कोन आपके इस वाले कोन के बराबर है ये दोनों कौन आपस में बराबर हैं फिर उसके बाद क्या होगा आपका एबीसी नाम का साइड दे देगा ठीक है मैं एग्जामिनर के बुद्धि को आपको बता रहा हूं कि वो कहां कहां सोच सकता है कहां तक उसकी गंदी नजर जो है वो जा सकती है सवालों को लेकर और कहां कहां आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है इसमें क्या होगा आपको मान लो कोई एक साइड जैसे मान लो इसने दे दिया यहां बारह है और इस वाले साइड को मान लो उसने दे दिया छत्तीस है अब मुझे पता है देखो एंगल ए के सामने बारह

चार केसेस आपने पढ़े हैं चार केसेस में मुख्यतः सिमिलैरिटी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इतना टाइप वाइज आपको कोई नहीं बताएगा ना ही कहीं पर दिया गया होगा ना ही कोई रिवाइज करवाएगा पहला टाइप आपने ये पढ़ा टू ट्रायंगल केस टू ट्रायंगल केस में क्या होता है इनका कुछ आपस में रिलेशन दिया गया होता है जैसे मान लो एरिया का ही रिलेशन दे दिया और किसी एक का साइड मान लो दे दिया और दूसरे का साइड पूछा बताओ कितना होगा ठीक है ये होता है हमारा टू ट्रायंगल केस जिसमें आपको इनका एबीसी पी क्यू आर का अपना कहानी चल रहा होता है चल रहा होता है जहां पर इनका एरिया का दे देगा पेरीमीटर दे देगा साइड पूछेगा दूसरा केस क्या होता है दूसरा केस आपको इसी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन बना दिया जाएगा ठीक है बोलेगा अंदर वाले का एरिया सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक है और इसका एरिया मान लो यहां पर 16 है इसका एरिया मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ठीक मतलब इसका एरिया इसका एरिया दे देगा इसका बाहर का साइड दे, दे देगा मान लो यहां पर कि यह 4 सेंटीमीटर है मान लो यहाँ पर तो इसका जो ये वाला साइड है ये कितना होगा मतलब ये ऐसे चलेगा एक पार्ट दूसरा पार्ट या फिर ये साइड का वैल्यू दे, दे देगा एरिया का रेशियो पूछेगा या एरिया का रेशियो दे साइड का वैल्यू पूछेगा और ये आपस में ही कंडीशन चलते रहेंगे कब जब हमारा डी जो है वो हमारे बीसी के क्या होगा पैरल होगा समझ में आ गया जो हमारा डी किसके पैरल होगा बी

या फिर एंगल ए के सामने छोटे वाले में देगा तो एंगल ए के सामने बड़े वाले में देगा या ये सिंगल लाइन के सामने बड़े वाले की वैल्यू देगा तो सिंगल लाइन के सामने छोटे वाले में जैसे दस तो यही सिंगल वाले के सामने बड़े वाले में मान लो बीस तीस पच्चीस पचास कुछ भी अपने मर्जी से वो दे सकता है फिर या तो यहां पर आपसे साइड का रेशियो पूछ सकता है या यहां पर आपसे पेरीमीटर का रेशियो पूछ सकता है और या यहां पर कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ सकता है तो केस नंबर वन केस नंबर टू केस नंबर थ्री अब आता है केस नंबर फोर और केस नंबर फोर में आप देखते हैं

कहां पर आ रहे हैं तो ये सवाल आपके प्री में आ रहे हैं और ये वाले सवाल कहां पर आ रहे हैं मेंस में आ रहे हैं तो प्री वाले तो आप कर लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं हमें मेंस वाले सवाल पर फोकस करना है क्या ये बात क्लियर है आप सभी को बता दीजिए जल्दी से क्या ये बात क्लियर है ठीक है क्या ये बात क्लियर है बता दो तो हम लोगों ने ये टाइप कर लिया है बच गए हमारे ये दोनों टाइप उनके भी एक एक सवाल फिर पे हम मूव ऑन करेंगे तो जैसे आ जाओ पहले वाले सवाल पे कल हम लोगों ने कहा तक किया था क्वेश्चन को कल हम लोगों ने किया था अगर आपको याद होगा तो कल के क्वेश्चन जो करवाए थे वो भी देख लेते हैं मान लो कल का ये क्वेश्चन नंबर आठ था ठीक है सर इतने डीपली और रिपीट में कोई नहीं बता पाएगा धन्यवाद अब जैसे मान लीजिए कल का क्वेश्चन नंबर आठ था कल के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था वो भी देखो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कल के क्वेश्चन हम लोगों ने ये वाले लगाए थे अब ये वाला कंसेप्ट भी किस पर है जैसे मैंने कहा ना एक टेढ़ा लाइन दे देगा और टेढ़ा लाइन में किसी एक का मान दे के सबका मान पूछेगा इसी वजह से क्वेश्चन नंबर आठ को मैंने आप लोगों को क्या दिया था होमवर्क में दिया था कि देखो दोबारा से एक टेढ़ी लाइन दे दी और पक्का किसी एक का मान दे के सबका मान निकलवाएगा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नाइन भी था जहां पर टेढ़ी लाइन देके तो ये टेढ़ा

आराम से निकालेंगे इसके देखो छोटे वाले के सामने 16 और इसके सामने 20 अब एंगल सी के सामने देखो एंगल सी में यहां पर कितना है है छोटे वाले में तो में तो बोलोगे सर 8 और एंगल सी बड़े वाले तो आठ का दो गुना है तो ए बी का मान 10 होगा तब तो उसका दोगुना बीस होगा यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा तो ए बी का मान दस आ जाएगा आप ऐसे भी कह लो सोलह का आधा आठ है तो बीस का आधा दस होगा यहां पर ए बी का मान हमारा दस आ गया अब सेम तरीके से आप देखो यहां पर ठीक है ये जो है 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 ना ये जो सोला बटे बीस है, ये सोला बटे बीस जो जो वो देखो आपने इसके सामने कितना लिखा सोलह तो बड़े वाले के सामने बीस उसी तरीके से सी के सामने आठ तो सी के सामने इतना अब तीसरा एंगल को लेने की बारी है तीसरे एंगल के सामने कितना है छोटे वाले में तो बोलोगे सर बीस है तो यहां पर ये एक एंगल ये हो गया दूसरा एंगल ये हो गया तीसरा एंगल ये बड़ा वाला इसके सामने कितना है इसके सामने बड़े वाले में कितना है एसी है तो एसी को लिखेंगे चार से चार बार में काटो चार से पांच बार में काटो चार से पांच बार में काटो एसी का मान कितना आ जाएगा एसी का मान पच्चीस आ जाएगा अब आपका एसी का मान पच्चीस आ जाएगा जिसमें डीसी का मान सोलह है तो एडी का मान कितना हो जाएगा एडी का मान आपका नौ हो जाएगा एडी का मान नौ है इसका मान आठ है इसका मान दस है नौ आठ सत्रह दस कितना हो जाएगा सत्ताइस इसका पेरीमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है तो ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हैं आप अपना माइंड का प्रयोग कर सकते हैं सिमिलरिटी लगा सकते हैं इसमें मेरी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें आपको जो है अपना माइंड का प्रयोग करना है ठीक है नाइन का आंसर गलत आ रहा है सर एक बार आंसर निकाल दीजिए भैया नाइन का आप सवाल का आप आंसर निकालना बैठ के ठीक है देख लेना ना, नाइन में क्या है क्या नहीं है हो सकता है आपसे गलती हो तो ऐसे जितने भी सवाल हैं जितने भी ये टेढ़े मेढे कंसेप्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 24 भी देखो सेम कंसेप्ट पर है एबीसी को कंसीडर करना है बीसी का मान यहाँ बारह दिया गया इसका मान छह दिया गया है इसका मान नौ दिया गया है आपसे बीसीडी बराबर बीएसी बोला देखो बीसीडी बराबर क्या है ये वाला जो कौन है ये बराबर दिया गया है बी के बोला गया ना आपको बीसीडी जो है वो बी के बराबर है अब देखो एक कोन दोनों में दे दिया गया और दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिक बराबर होगा दूसरा वाला दोनों में बराबर होगा तीसरा वाला हमारा ये कौन इसका और यहां पर तीसरा वाला ये पूरा का पूरा कौन सिमिलेरिटी लगा दो जैसे मानो अगर बात करोगे सबसे पहले पहले कौन के पहले कौन के सामने छोटे में कितना है तो बोलोगे सर छोटे में नौ है और पहले कौन के सामने बड़े वाले में कितना है तो बोलोगे बारह है उसी तरीके से दूसरे वाले कौन यानी छोटे वाले में कितना है तो छे है और दूसरे वाले में बड़े वाले में कितना है इसके सामने बड़े वाले में कितना है तो बोलोगे सर ए है ठीक फिर उसी तरीके से तीसरा कौन छोटे वाले में कितना है उसके सामने तो बोलोगे सर बारह है और यहां तीसरा कौन ये होगा तीसरे वाले में बड़े वाले के सामने कितना है तो ए बी है यहां पर आप इसका संबंध लगाओगे ए सी निकल जाएगा इसका संबंध लगाओगे ए बी निकल जाएगा सवाल में जो भी पूछा गया होगा जिसका भी पेरीमीटर पूछा गया होगा उसका एरिया निकाल के आप

तो ए का मान हमारा आठ है ठीक है ईसी का मान हमारा कितना दिया गया है ईसी का मान हमारा चौदह दिया गया है हमसे बी डी का मान पूछा गया है कि भैया ये बी डी का तुम्हारा मान कितना होगा इतना सिंपल है सत्तर के सामने कितना है तो बोलोगे सर सत्तर के सामने बारह है छोटे वाले में और बड़े वाले में सत्तर के सामने कितना है तो बाईस है चौदह और आठ बाईस हो जाएगा ठीक है कोई समस्या तो की बात यहाँ पे फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सत्तर के सामने ये है एंगल ए तो दोनों में विराजमान होगा कोई दिक्कत नहीं अब तीसरा वाला कौन देखो तीसरे वाले में छोटे वाले के सामने कितना है तो आठ है ठीक है अब ये वाला कौन इसके बराबर एंगल ए दोनों में कॉमन तो ये तीसरा कौन ये है तो इसका तीसरा कौन कौन है इसका तीसरा कौन ये है ठीक है तो इसके सत्तर के सामने बारह बड़े वाले के सत्तर के सामने बाईस उसी तरीके से इसके तीसरे कोण के सामने आठ है तो इसके तीसरे कोण के सामने बारह प्लस क्वेश्चन मार्क यानी बारह प्लस हम यहाँ पर एक्स कह सकते हैं ठीक है आठ का यहाँ पर डेढ़ गुना है आप ऐसा कह सकते हो नहीं काटना चाहते तो आप ऐसे काट लो ठीक है चार से दो बार में चार से तीन बार में ठीक है अब देखो बाईस इंटू दो चौवालीस बटे तीन तो बोलोगे सर बारह प्लस एक्स बराबर चौवालीस बटे कितना आ रहा है तीन आ रहा है तो x का मान कितना होगा चौवालीस बटे तीन माइनस कितना बारह तो बारह इंटू तीन छत्तीस आठ बटे तीन आ जाएगा कितना आ जाएगा आठ बटे तीन एक्स का मान आ जाएगा 8 बटे तीन. सवाल में हमसे बी डी का मान पूछा गया है यानी आठ बटे तीन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग करेंगे अब जो क्वेश्चंस मुझे बताने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं थोड़े अच्छे लेवल के सवाल ताकि आपका फायदा हो पाए ये क्लास को अटेंड करने से ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर दस में देखो क्वेश्चन नंबर दस में क्या बोला गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर दस में देखो क्या बोला गया है <coughs> आ जाओ क्वेश्चन नंबर दस में देखो बोला गया एक पी क्यू आर नाम का ट्रायंगल है क्यू का मान है है सेम तरीके से ये भी सेम एंगल है यहाँ पर इसमें भी कोई सवाल नहीं है सेम है आप इसको भी जो है घर पर करेंगे सेम वाला सवाल है टेढ़ा लाइन वाला है सवाल जब ऐसे बनाओगे ना ये लाइन दे रखा है अंठावन एक सौ बाईस सेम है तो ये भी सवाल आपका पीजीडब्ल्यू है क्वेश्चन नंबर दस भी आपको खुद से करना है ग्यारह में आ जाइए ग्यारह में देखिए सवाल ग्यारह एक अच्छा प्रश्न है दिस इज अ गुड क्वेश्चन आप कह सकते हैं ग्यारह नंबर सवाल को देखिए ग्यारह नंबर सवाल में कैसे खेलना है आपको बहुत अच्छा प्रश्न है एक ट्रेंगल आपका पी क्यू आर है ठीक है और उस ट्रेंगल में क्या बोला गया है बोला गया है पीएक्स नाम का देखो एल्टीट्यूड कुछ बनाए गए हैं इनके एल्टीट्यूड को जरा देखो एक एल्टीट्यूड ये रहा दूसरा एल्टीट्यूड ये रहा तीसरा एल्टीट्यूड ये रहा और बोला गया है ये तीनों एल्टीट्यूड है लंब है ठीक है प्रत्येक लंब कितने का कोण बनाता है नब्बे का और ये लंबो का नाम क्या है तो x है y है और फिर यहाँ पर आर जेड है ठीक है यहाँ पर ये इसका पीओ है पीओ का मान कितना दिया गया है छह दिया गया है पीएक्स का मान कितना है पूरा पीएक्स का मान आठ है तो ओ का मान कितना आ जाएगा दो आ जाएगा ठीक यहां पर देखते चलो इनके मान को अलग रंग से लिख देते हैं ये मान छह है और पूरा का पूरा मान आठ है तो का मान दो हो जाएगा सवाल में क्यूओ का मान दिया गया है चार और आपसे इसका मान पूछा है कि OI का मान बता दो या क्यूवाई का मान बता दो कितना होगा अब ऐसे सवालों में आपको कैसे करना होता है वो भी देखिए जैसे मान लीजिए कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन आ गए जो बनेंगे तो सिमिलैरिटी के ही कंसेप्ट पे लेकिन दूर दूर तक बुद्धि काम नहीं करेगी हमें जो है क्यूआई का मान बताना है अब अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आप देखिए आप इस ट्रांगल पे फोकस करो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं और दूसरा आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो अब ये दो ट्रायंगल पे जब आप फोकस करोगे ना तो इन्हीं दोनों साइड्स के बारे में जिक्र है इस ट्रायंगल में ये छे है इस ट्रायंगल में दो है इसमें ये चार है और इसका मान पूछा मतलब हमको दोनों में जो है दोनों में सिमिलैरिटी स्थापित करना है समरूपता स्थापित करना है अब सिमिलैरिटी स्थापित करने के लिए दोनों में क्या करना होगा तो एक कोन इसका नब्बे तो एक कोन इसका भी नब्बे और ये वाला कौन ये वाला कौन से वर्टिकली अपोजिट बराबर एक कोन एक कोन के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर तो पक्का जो तीसरा होगा वो तीसरे के बराबर होगा यानी जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे सिमिलैरिटी लगाएंगे ठीक है तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो क्या लगाएंगे सिमिलैरिटी अब इसके नब्बे के सामने कितना है तो बोलोगे चार और इसके नब्बे के सामने कितना है तो बोलोगे छे ठीक है उसी तरीके से उसी तरीके से ये डबल डबल यानी एंगल के सामने कितना है यहां पर दो है ठीक तो यहां डबल के सामने क्या हो जाएगा हमसे तो हम वाई पूछा गया है यहां से लेकर यहां तक ये यह चार है और ये तीन है तो टोटल मान कितना हो जाएगा सात हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर समझ में आया तो पकड़ना होता है सवाल में देखो

सवाल को देखना तो आप इसको एक लाइन में इसका आंसर टिक कर देना एक सेकंड में सवाल को देखते टिक करना आंसर क्योंकि ये जो सवाल है ना ये बस एक ही लाइन का है इसमें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है ठीक समझ में आ गया बात आपको ये सवाल में आपको बोला गया है ये त्रिभुज ए है ये त्रिभुज बी है और यह त्रिभुज सी है बोला गया है एंगल बी का बाई देखो यहां पर बोला गया है ऑफ एंगल एडीज ठीक है एडी परपेंडिकुलर एडी नाम की एक रेखा है एडी नाम की रेखा है।, है जो परपेंडिकुलर है किसके इसके बाईसेक्टर पे ये वाली रेखा इस पे परपेंडिकुलर है ये वाली रेखा इसके बाई पे परपेंडिकुलर है फिर बोला गया है डी तो 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 से ई को मिलाया जाता है और वो डीई नाम की जो रेखा होती है वो बीसी नाम की रेखा से क्या होती है समझ होती है, ये बात यहां पर कही गई है आपको बोला गया है एसी का मान कितना है, 12 है दिमाग में छाप लेना बारह है तो उसका आधा छह होगा दस है तो उसका आधा पांच होगा बोलोगे सर प्रूफ बता दीजिए तो पीछे की वीडियो देखना उसमें प्रूफ बताया तो बारह का आधा कितना होगा छ होगा ऑप्शन नंबर क्या करोगे बी टिक करोगे दैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तेरह में बोला गया है एबीसी जो है वो क्या है स्ट्रेट लाइन है एबीसी क्या है आपका एबीसी से बी एक स्ट्रेट लाइन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है देखेंगे सवाल में बोला गया है ये आपका बी एक स्ट्रेट लाइन है ठीक उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है बोला गया है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है और सी और डी जो है वो क्या है ए बी पर और ए सी पर परपेंडिकुलर है यानी अगर हम बात करें ठीक है तो यहां पर एक रेखा जो है वो क्या है <laughs> माफ करेंगे यहां पर एक रेखा परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर एक रेखा परपेंडिकुलर है दोनों पर बोला गया है कि ए पर एक लाइन परपेंडिकुलर है बी पर एक लाइन परपेंडिकुलर है ठीक है वो कौन कौन से लाइन है तो सी एंड डी आर द पॉइंट on the same side of AB such that AC is perpendicular to AB such that AC नाम की जो रेखा है वो किस पर perpendicular है AD पर perpendicular है उसी तरीके से आपको बोला गया है ठीक है कि जो BD नाम की रेखा है ना ठीक है sorry यहाँ पर AC

मिलन स्थल है ई नाम पे ठीक है तो सवाल में हमसे क्या बोला है सवाल में बोला है ए ई -E बट्टे में और ए ई -E बट्टे ए ठीक है और बीई -E बट्टे में बीसी ये कितने के बराबर होगा ये कितने के बराबर होगा बताओ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आप गौर से देखो यहां पर तो ये ए बी है आपका अगर ये कोण नब्बे है और ये कोण नब्बे है आप एक पल के लिए इनको मिला दो आप एक पल के लिए क्या करो इनको मिला दो कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे अब एक पल के लिए इनको मिलाओगे ये नब्बे है और ये नब्बे है परपेंडिकुलर हैं तो ये भी आपका नब्बे आएगा ये भी आपका नब्बे आएगा ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा क्या बन जाएगा मेरे भाई रेक्टेंगल बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंट है यहाँ पर परपेंडिकुलर है सभी के सभी और ये कहाँ मीट करेंगे तो अगर ये एक रेक्टेंगल होगा तो ये भैया जहां काटेगा ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का डायगनल हो जाएगा एक रेक्टेंगल का डायगनल हो जाएगा बताओ और ये डायगनल जो है ये पूरी लंबाई का क्या होगा आधा होगा समझ में आ रहा है रेक्टेंगल के डायगोनल कहा मीट करते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर पार्टों में काटते हैं एक दूसरे को रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर पार्टों में काटते हैं ये बात ध्यान रखना डायगोनल ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर ठीक है बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं यह बात तय है ठीक क्योंकि पर पर जो है कौन यहां पर बनेगा और ये बात इनको पूरा बराबर भागों में काटेंगे यानी अगर एडी का मान हमारा देखो आप ऐसे समझो यहां पर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ए है, है बट्टे में एडी है? है ठीक और प्लस बीई है और बट्टे में क्या है हमारा तो बीई और बट्टे में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा ठीक तो ए अगर ए है तो एडी दो है और इसी तरीके से ये है तो आधा और आधा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ रहे हो मेरी बात को ए अपॉन AD का रेशियो आधा बीई अपॉन BC का रेशियो आधा दोनों का आधा आधा मिलाकर कितना बनाएगा एक बनाएगा दोनों का आधा और आधा मिलाकर कितना बनाएगा एक बनाएगा समझ में आ गया बात यहाँ पे कोई समस्या की बात ठीक है चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है जहां पर आपको यह कहा जाता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है दो राइट एंगल ट्रायंगल है और समकोण त्रिभुज है और बोला गया है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का जो आधार है सॉरी जो हाइपोटेनस है वो सेम है ठीक है जो हाइपोटेनस है वो सेम है उसके बाद बोला गया है कि इसको वहां मिलाओ उसको वहां मिलाओ ठीक है मैं आपको कहता हूं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों के हाइपोटेनस सम है तो एक आपके मन में पता है क्या आएगा आपके मन में आएगा कि एक ट्रायंगल को ऐसे बना दो और ये

भैया ये दोनों नब... <coughs> इस फिगर में ये दोनों नब्बे पे है तो ये कभी नहीं मिलेंगे मतलब ये फोटो क्या होगा हमारा गलत होगा अब ये फोटो गलत होगा तो असल में इसका सही फोटो क्या होगा वो देखो तो सही फोटो यहां पर बनाते हैं ठीक है सही फोटो क्या करते हैं बनाते हैं यहां पे आप ऐसे समझो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है ना ठीक है सही फोटो क्या होगा वो देखो यहां पर एक बेस को बनाओ ठीक। अब इस बेस से यहां पर एक ट्रायंगल बनाओ। ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये बनाओ ये है आपका सही फोटो सही फोटो में नाम कैसे करेंगे जैसे मानो दोनों का बेस हमारा बीसी होना तय है ये हमारा ट्रायंगल ABC है ट्रायंगल एबीसी में ये बीसी हाइपोटेनस है तो एंगल ए का मान कितना होगा नब्बे फिर ट्रायंगल बीसी में देखो यहां पर डीबीसी में ट्रायंगल डीबीसी में बीसी हाइपोटेनस है एंगल डी का मान कितना होगा नब्बे मतलब हमने राइट एंगल को ऐसे बना दिया जहां पर हमने कहा तुम नब्बे हो और तुम्हारा ये हाइपोटेनस है, है समझ में आ गया हमने राइट एंगल को दोनों को ऐसे बना दिया समकोण त्रिभुजों को ऐसे बना दिया अब उसके बाद सवाल में हमसे पता है क्या बोला गया सवाल में बोला गया है तुम एसी को ठीक है और तुम BD को जब तुम एक्सटेंड करते हो वह पर मिलेंगे एसी और बी डी को एक्सटेंड करने पर वो पी पर मिलेंगे एसी और बी डी जो है ना बोला गया आर राइट एंगल विथ कॉमन द साइड एसी एंड बी डी द साइड एसी एंड बी डी एक्सटेंडेड इंटरसेक्टेड पी तो सवाल में बोला गया है AP अपॉन PC एपी अपॉन पीसी देखो एपी अपॉन पी ठीक है और फिर उसके बाद एपी पी दे रखा है और डीपी और पीबी दे रखा है सबको गोली मारो अब मान लो आपका ये फोटो बन गया अब ये फोटो बन गया तो आप कैसे बनाओगे ये फोटो बन गया आपके परीक्षा में तो आगे कुछ भी प्रूफ करना है तो कैसे करोगे तो आपको जो ट्राइंगल दिखा रहे हैं गौर से देखना ट्रैंगल ए बी पी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया दूसरा ट्रायंगल आपके सामने त्रिभुज कौन सा हो गया ये वाला ट्रायंगल हो गया एक पर्पल है और एक ग्रीन है ठीक है ये नब्बे है तो ये भी नब्बे है ठीक है उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अगर ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा क्या है अल्फा है मान लो यहाँ पर क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये नब्बे ये नब्बे ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये बाकी के जो दूसरा तीसरा कोण होगा ना एक कोण बराबर है दूसरा कोण बराबर है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोई समस्या की बात यानी यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे ए पी बी और पी डी सी सारे के सारे समरूप हो जाएंगे इसके नब्बे के सामने कितना है तो इसके नब्बे के सामने बीपी है तो यहां पर बीपी लिखो दूसरे वाले के नब्बे के सामने कितना है यहां पर है पीसी तो यहां पर पीसी लिखेंगे ठीक है मेरी बात को समझ में आ गया ये बराबर होगा ये बराबर होगा किसके इसके आल्फा के सामने कितना है तो बोलोगे सर ए बी है तो ए बी लिखेंगे ठीक है इसके अल्फा के सामने कितना है डीसी है तो क्या लिखेंगे डीसी लिखेंगे इसके तीसरे कोण के सामने कितना है है तो यहां पर क्या लिखेंगे एपी लिखेंगे और इसके तीसरे कोण के सामने कितना है पीडी है पीडी पीडी तो क्या लिखेंगे यहां पर पीडी लिखेंगे मेरी बात समझ में आ गया सिमिलैरिटी लगाने के बाद ये कंडीशन हमारे सामने आ गए हैं सिमिलैरिटी लगाने के बाद ये कंडीशन हमारे सामने आ गए हैं ठीक है अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका जो एपी और पीसी का इस्तेमाल है एपी यहां पर है और पीसी यहां पर है उसी तरीके से डीपी और पीबी का इस्तेमाल है डीपी यहां पर है और पीबी यहां पर है तो हमें बीच वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं है बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है बीच वाले को मिटा दो तो। बीच वाला रिलेशन का कोई जरूरत नहीं है और हमें यह बात पता है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है जरा इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करो तो आप कह सकते हो बीपी इंटू या आप ऐसे कह सकते हो एपी और इंटू पी एपी और ये पी उधर जाके गुना होगा एपी इंटू पी बराबर है ठीक है यहां पर देखो एपी इंटू पी और बट्टे में क्या आ जाएगा ठीक है बट्टे में आ जाएगा बीपी इंटू पी ये वैल्यू किसके बराबर आएगी वन के बराबर आएगी तो ये वैल्यू किसके बराबर है वन के क्यों भैया क्योंकि एपी को यहीं पर रखेंगे पीसी वहां भेज देंगे एपी पी आ गया और बीपी को नीचे भेज देंगे तो यहां वन ही तो बचेगा तो वो वन बचेगा इतना अपॉन इतना तो आंसर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा क्लियर है ये बात समझ में आया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था मैंने 15 नंबर सवाल अगर याद होगा तो पिछली क्लास में ठीक है जहां पर मैंने आपको ये कहा था कि ये सवाल में देखो तो बोला गया है डायमीटर कितना है 10 है डायमीटर कितना है तो 10 है बोला गया ना डायमीटर 10 है मतलब रेडियस पांच है और ये रेडियस कितना है पांच है फिर पी आर का मान सवाल में नौ दिया गया है और आपसे एस टी का मान पूछा है अगर याद आ रहा होगा तो कल ये क्वेश्चन हमने करवाया था आपको करवाया था बताओ तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं आप मुझे खुद बताओ ये पांच है ये पांच है तो रेडियस पांच है तो ये भी हमारा पांच हो जाएगा ठीक हमने कहा था आपको हाँ हेलो ये पांच है ये पांच है ये पांच है और ये नौ है हमसे एस का मान पूछा गया है बताइए तो क्या ये सवाल कल आपको हमने बताया था उससे आप कर सकते हैं बताइए दोबारा से रिवाइज हम करवा देते हैं एसक्यू का मान कितना मानना है एसक्यू का मान हमारा एक्स मानना है ठीक है अब हम ट्राइंगल क्यू ओ एम पर सिमिलैरिटी लगाएंगे तो क्या बोलेंगे एक्स बटे में पांच ठीक है या हम बोलेंगे एक्स और बट्टे में क्या लेना पड़ेगा पूरा लेना पड़ेगा बट्टे में पूरा लेना पड़ेगा यानी एक्स बटे एक्स प्लस फाइव एक्स बटे एक्स प्लस फाइव यहाँ पर लेकिन इसका तो हमें दिया ही नहीं गया हमें ये मान पता है पांच बटे में नौ पता है पांच बटे में नौ पता है तो हम बोलेंगे यहां देखो इसका पांच लेते हैं तो बड़े वाले का कितना लेंगे बड़े वाले का नौ लेंगे यहां पर उसी तरीके से ये पांच लिया तो ये पांच किसके करस्पॉन्डिंग है एक्स प्लस फाइव के ठीक है और ये जो नौ है ये टोटल का मान है यानी यहां पर मान है एक्स प्लस दस के ठीक है एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई देखो एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टेन बराबर फाइव अपॉन नाइन यहां से आप एक्स की वैल्यू को निकाल देंगे एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी कैलकुलेट करके देख लो पांच एक्स है और नौ एक्स है पांच एक्स है यहां पर पांच एक्स है और वहां नौ एक्स है तो आ जाएगा चार एक्स यहां पचास है और पैंतालीस है तो वैल्यू आ जाएगी इतनी एक्स की वैल्यू आ जाएगी पांच बोटे चार

ठीक है x का मान पांच बटे चार को आप 1.25 भी कह सकते हो ठीक यहां पर 1.25 को रखो तो बोलोगे 1.25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस वन पॉइंट बराबर st बटे में कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा 125 का पांच गुना होता है पांच से पांच काटोगे st का मान वन आएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलो तो ऐसे सवाल जब जब आएंगे पेपर में तो क्या करना है हल कर लेना है खुद से

एबीसी में क्या बोला गया बोला गया एडी नाम का जो लाइन है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है ठीक है एडी नाम का जो लाइन है वो किस पर परपेंडिकुलर है तो एडी नाम का लाइन बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है फिर बोला गया है बीई नाम का जो लाइन है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो बीई नाम का जो रेखा है लंब है किसके ऊपर एसी के ऊपर लंब है ठीक है बी एसी के ऊपर लंब है दोनों कहां पर काटते हैं एक दूसरे को एफ नाम के पॉइंट पर काटते हैं किस पर एफ नाम पर अगर बी एफ हमारा अगर हमारा ये जो बी एफ है ना ये बी एफ हमारा किसके बराबर है ये बी एफ हमारा ये ए सी के बराबर है ये सवाल में बोला गया है तो हमसे पूछा गया है एंगल ए बी सी का मान कितना होगा ये वाला मतलब इस क्वेश्चन को आप दो स्टार लगा लीजिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तीन स्टार लगा लीजिए इतना प्यारा क्वेश्चन है ये सीजल का पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ठीक है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बताइए कैसे बनाएंगे आप इसको चलिए छोटी मोटी चीजों का देखिए अगर हमको एंगल पता करना है तो हमको एंगल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि साइड के आधार पर हम एंगल बता देंगे हमको एंगल से ही शुरुआत करना पड़ेगा आप समझिएगा मेरी बात को अगर यहां पर ये नब्बे है ठीक है अगर मान लेते हैं हम इसको थीटा मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा अब ये नब्बे है और ये थीटा है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तो बोलेंगे सर ये नाइनटी माइनस थीटा होगा ठीक है हमने कहा इसको थीटा मानो इसको थीटा मानोगे और ये नब्बे है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइनटी माइनस थीटा क्योंकि तीनों कोनों का जोड़ एक सौ होता है अब ट्रैंगल एबीसी में आ जाओ ट्रायंगल ए डी सी में आ जाओ ट्रायंगल ए डी और सी में आ जाओ ये वाला कौन तुम्हारा नब्बे है ये वाला कौन कितना है नाइनटी माइनस थीटा कितना है नाइनटी माइनस थीटा तो तुम्हारा सी कितना होगा थीटा होगा थीटा तभी तो तीनों को जोड़ोगे तो एक सौ अस्सी आएगा नब्बे नब्बे एक सौ अस्सी माइनस थीटा प्लस थीटा खत्म यानी एंगल सी का मान कितना होगा थीटा ये नब्बे नब्बे माइनस थीटा तो ये थीटा आपका आ गया एंगल सी का मान ठीक है अब आप समझेंगे एक नब्बे है दूसरा थीटा है किसमें बी सी और बी एफ डी में ठीक है और उसी तरीके से बड़े वाले में देखिए एडीसी में तो इसमें भी एक नब्बे है, इसमें थीटा है तो क्या सिमिलैरिटी लग सकती है ये आप कह सकते हैं ये वाला कौन आपका नब्बे माइनस थीटा था बट जरूरत नहीं है मेरे कहने का मतलब है जैसे दो एंगल हमारे बराबर होते हैं हम सिमिलैरिटी को साबित कर सकते हैं कि भैया बी एफ डी और यहां पर हमारा ए सी डी जो है वो क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा हो जाएगा हमारा कोई समस्या की बात है यहां पर ठीक है अब सिमिलर होगा तो जरा कुछ हम यहां पर कंडीशन को देख लेते हैं क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होने वाला है ठीक है क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे सिमिलैरिटी लगाने से जरा वो देखिए सवाल में आपको देखो क्या बोला गया है <coughs> आप यहां पर देखिए गौर से तो आप बोलेंगे देखो 90 के सामने कितना है तो 90 के सामने बी एफ है यहां पर ठीक और यहां पर 90 के सामने कितना है तो 90 के सामने हमारा ए सी है तो यहां ए सी लिखेंगे ठीक है उसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पर तो थीटा के सामने कितना है तो बोलोगे सर बी डी है ठीक है और यहां पर थीटा के सामने कितना है तो बोलोगे ए डी है ठीक है उसी तरीके से ये नाइनटी माइनस थीटा के सामने कितना है तो एफ डी है और यहां नाइनटी माइनस सीटा के सामने कितना है डी है अब आपको बोला गया है जो बी एफ है ना और जो ए सी है ये बराबर है बी एफ और एसी बराबर है यानी वन रेशियो वन है अगर बी एफ और एसी बराबर है तो बी डी और एडी भी बराबर होगा इस बात को ध्यान रखो इनका भी अनुपात एक रेशियो एक में यानी ये जो बीडी है ना ये बी डी और जो ये एडी है ये भी बराबर होंगे आपस में ये भी क्या होंगे ये भी बराबर होंगे उसी तरीके से एफ और डीसी बराबर होगा लेकिन इसकी आवश्यकता हमें नहीं है अब यहां पर ट्राइंगल ए बी और डी में देखो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर है ये वाला कोण नब्बे है अगर ये वाला कोण नब्बे है तो बाकी दोनों अगर ये रेखा इस रेखा के बराबर तो ये कौन इस कोण के भी बराबर अगर ये जनाब नब्बे है तो ये दोनों का कोन भी नब्बे होगा यानी पैंतालीस और पैंतालीस का होगा तो एंगल बी का मान कितना आएगा पैंतालीस आएगा आंसर हो जाएगा ठीक है हमने सिमिलैरिटी लगाई हमने कहा ये छोटू ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल से हमने सिमिलैरिटी लगाई हमने कहा बेटा तेरा ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा जब ये दोनों भुजाएं जब ये दोनों भुजा बराबर तो इनके द्वारा अगर बनाया गया कौन भी बराबर एक नब्बे है तो बाकी दोनों कितना होंगे पैंतालीस और पैंतालीस होंगे ठीक है <coughs> <task> <task> क्लियर है चलो अगला सवाल देखो मैंने कहा था ना कि बच्चे वाले सवाल आप लोग बना लिया करो और अच्छे सवालों का सॉल्यूशन मुझसे ले लिया करो कितना आसान हो जाएगा बताओ नहीं तो ऐसे 80 क्वेश्चन की शीट तो मैं कभी दे ही नहीं पाऊंगा ना मैं करा पाऊंगा ठीक है तो इस बात को ध्यान रखो इसे थोड़ा सा करेंगे ना तो आसानी होगी अब बच्चे वाले सवाल हैं बिना कलम उठाए कर सकते हो कितना मजा आएगा बताओ ये सब सवालों पर मुझसे अप्रोच सीखो ठीक है क्वेश्चन नंबर सत्रह देखो अब जो मैंने कहा था ना वो तीसरी वाली कैटेगरी कुछ याद आ रहा है मैंने कहा था आप लोगों को कि टोटल जो है तीन चार कैटेगरी हमें पढ़नी है ये वाला कैटेगरी शुरू शुरू में क्लास के हमने कर लिया था अब हमारा है ये वाला कैटेगरी जिसको मैंने कल करवा दिया था अब हमारा ये वाला कैटेगरी जंप मार के आएगा मिसलिनियस कर रहे हैं ये वाली कैटेगरी ठीक है तो उसी कैटेगरी का ये है दो तीन सवाल लगा लोगे समझ में आ जाएगा आ जाओ क्वेश्चन नंबर कहां पर थे हम लोग क्वेश्चन नंबर सत्रह में सत्रह में देखो क्या बोला गया दिए गए फोटो में देखो ये पैरल वाला आ गया कि नहीं आ गया आ गया तो इसको उड़ा के फेंक दो डी जो है वो बीसी के पैरल है एडी का मान कितना दिया गया है एडी का मान ढाई दिया गया है डीबी का मान कितना दिया गया है साढ़े तीन दिया गया है तुम्हें ईसी का मान कितना है चार है और आपसे एसी का मान पूछा है बता नहीं दोगे बताओ इनका अनुपात देखो पच्चीस और पैंतीस पच्चीस पैंतीस किस अनुपात में है यहां पर इसका देखो अनुपात किस में है तो पांच अनुपात सात में है ठीक है सात को जीरो

क्वेश्चन नंबर सत्रह गौरव वर्मा कहते हैं सर कमेंट नहीं पढ़ते हो मेरे सर एक बात बताओ गौरव कमेंट पढ़ने आए हैं कि पढ़ाने आए हैं बताओ है जो जरूरी कमेंट लगता है पढ़ते हैं ना देखो किसको पढ़ा रहे हैं आप ही लोगों को तो पढ़ा रहे हैं अब गौरव आप कोई बात बोलोगे तो आपका कमेंट पढ़ेंगे फिर कल के दिन कोई दूसरा भाई बोलेगा उसका कमेंट पढ़ेंगे कमेंट पढ़ने पढ़ने में दिन निकल जाएगा किसी को मजा ही नहीं आएगा ठीक है बिल्कुल तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो ठीक है क्लास नोट्स मिलेंगे क्लास नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे एप्लीकेशन पे सब कुछ अपलोडेड है देखो तो सही ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर अट्ठारह में क्वेश्चन नंबर अठारह में सेम तरीके से बोला गया e है एबीसी में डी और ई जो पॉइंट है ए बी और एसी पर है पैरल है अब ये पैरल वाले जितने सवाल है देखो मैं में पूछा गया लेकिन पैरल वाले सवाल आप खुद लगा लिया करो उसमें मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है इस बात को समझो ये पैरल वाले क्वेश्चन में आप लोगों को इतना मैंने बारूद बना दिया है कि आप लोग खुद ही ये सवाल बना सकते हो कि आपका एबीसी नाम का एक त्रिभुज है डी और ई ए बी और एसी पर एक रेखा है ठीक है तो आप यहां पर बोलोगे भैया डी इस पर है और पे e है, यह हमारा डी हो गया और यह हमारा ई e हो गया फिर बोला जाएगा ई बी सीरल है बताओ ये और बोला गया है ई e का मान तुम बता दो और सी e का मान बता दो मतलब इससे आसान धरती पर कोई क्वेश्चन था क्या बताओ पांच की वैल्यू को चार दे दिया गया है ठीक है पांच की वैल्यू को चार दे दिया गया है कितने से गुना किया गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है फोर बाई फाइव मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है फोर बाई फाइव पांच की वैल्यू को चार बनाया गया किससे गुना करके तो पांच को चार बटे पांच से गुना करके ठीक है कैसे चार बटे पांच आया देखो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि अगर मुझे नौ को आठ बनाना है मैं कैसे करूंगा तो बोलूंगा सर देखो पहली बात नौ है तो नौ को तो पहले नौ से भाग लगा दो ताकि वो कितना बन जाए एक बन जाए और फिर आठ बनाना है तो उसको आठ से गुना कर दो यानी नौ था समझना मेरी बात को नौ था और इसको हम कितने

पांच को चार बनाना था पांच को पांच से भाग कर दिया चार से गुना कर दिया तो नौ भी यहां पर देखो ये चार बटे पांच से गुना हो रहा है तो ये भी चार बटे पांच से गुना होगा बोलो यहां पर यानी हो जाएगा छत्तीस बटे पांच नौ इंटू चार छत्तीस बटे पांच छत्तीस बटे पांच का मतलब सात दशमलव दो इसी का मान कितना आ जाएगा इसी का मान सात दशमलव दो आ जाएगा ठीक है इसी का मान कितना आ जाएगा सात दशमलव दो आ जाएगा अब आगे की बात करते हैं यहां पर इस वैल्यू को हटा दो यहां सात दशमलव दो आ गया ठीक है अब आप देखोगे तो छोटा वाला पांच है और टोटल कितना है यहाँ पर टोटल कितना है देखो छोटा बटे टोटल का मान देखो छोटा बटे टोटल का मान कितना होगा छोटा वाला पांच और टोटल का मान है नौ यानी यहां पर अगर मेरी बात को समझिएगा जरा तो ये जो है ये कितने का मान है नौ का मान है तो हमें कितने का देखो पंद्रह दशमलव चार अगर नौ का मान है तो हमें पांच का मान चाहिए डी का मान निकालने के लिए कितना का मान देखो पंद्रह दशमलव चार अगर हमारा नौ का मान है तो हमारा पांच का मान कितना होगा क्योंकि छोटा पांच बड़ा नौ तो बड़ा वाला नौ यूनिट है पांच यूनिट का मान बताओ यहां पर आप इसको काट लो काटोगे तो नौ से काटोगे कितनी बार में नौ एकम नौ ठीक है चौसठ <coughs> आएगा पंद्रह दशमलव चार एक मिनट एक मिनट एक मिनट माफ करेंगे माफ करेंगे छोटा सा गलती हो गया छोटा वाला पांच है टोटल चौदह हो जाएगा छोटा वाला पांच है टोटल चौदह हो जाएगा तो हम यहां पर ये बात बोलेंगे कि ये जो पंद्रह दशमलव चार है ना ये पंद्रह दशमलव चार फाइव और प्लस नाइन यहां से यहां पांच और यहां से यहां नौ यानी ये टोटल ए बी का मान है टोटल यानी ये चौदह यूनिट का मान है कितने का मान है चौदह यूनिट का मान है इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये हमारा चौदह का मान है और हमें छोटे वाले का पता करना है यानी पांच का मान पता करना है चौदह से आप इसको काटेंगे तो वन बार में कटेगा वन को फाइव से गुना करेंगे तो फाइव आ जाएगा इसको गुना करोगे तो पांच दशमलव और पांच दशमलव पांच सात

को तो अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं तो शीट में ऐसे जितने भी सवाल दिए गए होंगे ना ये पैरेलल वाले ये आप खुद कर लेंगे इसमें मेरी आवश्यकता कहीं पर नहीं होनी चाहिए इतने एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं तो कल से क्लास में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो स्किप होते चलेंगे इस बात का ध्यान रखना आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया कहा गया एक ट्राइंगल एबीसी है एक लाइन पैरेलल बीसी के बनाते हैं एबी और एसी को इंटरसेक्ट करता है सेम कथा कहानी चल रही है पैरेलल वाली कहानी चल रही है तो ये भी क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते हैं

और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के हमारे समानांतर है का मान हमारा छे दिया गया है ठीक है सॉरी आर क्यू का मान नहीं छे दिया गया है हमसे जो है ये क्यूएस का मान छे दिया गया है क्यूएस क्यू से लेकर एस तक का मान छे दिया गया है हमसे एपी और पी डी का रेशियो पूछा है अब इस सवाल में है ना मतलब यू समझ लो कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली कहानी है यह सवाल में असल में आपको उतनी जरूरत है ही नहीं इतने इतने डेटा की या लोगों की या लोगों जितना यहां पर गया है। कैसे आप देखते चलो सवाल को थोड़ा सा जो है ना फोटो को बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि असल में यहां क्या कहा गया है ठीक है थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देखते हैं बस याद रखना एपी और पीबी का जो रेशियो है वो चार अनुपात तीन है ठीक है बस ये आपका फोटो है और इतना आसान सवाल मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं अब इस फोटो में देखोगे तो आपको क्या बोला गया बोला गया एपी चार में है और यहां पर ये तीन में है ठीक है और उसके बाद आपसे बोला गया है एपी का मान बताने को और पीडी का मान बताने को ठीक अब एपी और पी डी का मान बताएंगे तो कैसे बताएंगे जरा गौर से देखिए हम बोलेंगे ये वाली रेखा जो है वो किसके है इस वाली रेखा के क्या है समानांतर है पैरल है अब ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज होगा त्रिभुज पी देखो बी Q और P और साथ में बड़ा वाला BC और A ये क्या होंगे दोनों के दोनों सिमिलर होंगे समानांतर समझ में आ रहा है बात सिमिलर होंगे अब ये दोनों लाइन रेखाएं पैरेलल हैं, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होगा सिमिलर होगा समरूप होगा तो अगर ये भुजा तीन अनुपात चार में है तो यहां पर ये भी भुजा हमारी कितनी होगी तीन अनुपात चार में यानी ये तीन होगा तो ये वाला कितना होगा चार होगा समझ में आ गया बात अब उस ट्रायंगल से आ जाओ फिर यहां वाले ट्रायंगल पे ट्रायंगल बी में ठीक है अब ये वाली सिमिलर लाइन को कुछ पल के लिए मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहो रेशियो पता चल गया रेशियो कितना आएगा तो ये भी रेशियो फोर अनुपात तीन में होगा अब जो लाइन खींच रहा हूं वो देखना अब आपको पता है कि ये वाली रेखा जो है वो मेरी इस वाली रेखा के क्या है सिमिलर है सॉरी पैरल है अब पैरल है तो हम सिमिलैरिटी किस में लगाएंगे तो ये बड़ा वाला ट्राएंगल में और ये छोटू ट्राएंगल में ये दोनों में सिमिलर लगाएंगे क्यों क्योंकि पैरल होगा तो ये कौन इसके बराबर ये कौन इसके बराबर तो ये सारा सिमिलर हो जाएगा तो आप बोलोगे जी सर ठीक है अब ये दोनों में क्या लगाओ सिमिलैरिटी लगाओ अब दोनों में सिमिलैरिटी लगाएंगे तो और ये चार अनुपात तीन में है देखो ये छोटा इसका तीन और ये चार तो उसी तरीके से ये हमारा आ जाएगा तीन और ये हमारा आ जाएगा चार ठीक है ये हमारा आ जाएगा तीन पहले तीन चार से क्या हुआ पहले इस तीन चार से हमने उसको तीन और चार में तीन और चार तीन चार से तीन और चार कन्वर्ट किया फिर उस तीन चार से हमने इस तीन और चार में कन्वर्ट कर दिया अब हमने यहां पर क्या सीखा हम यहां पर ऐसे समझते हैं हम यहां पर ऐसे समझते हैं कि जैसे मानो ये चार सेंटीमीटर हो और ये तीन सेंटीमीटर हो एक पल के लिए हम मान रहे हैं लेट कर रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां का तीन यूनिट जो है वो सात सेंटीमीटर के बराबर है ये तीन यूनिट कितने सेंटीमीटर के बराबर है सात मीटर के यूनिट किसके बराबर है सात सेंटीमीटर के एक यूनिट सात बटे तीन के बराबर तो ये जो चार यूनिट होगा ये किसके बराबर होगा इसको चार से गुना करो तो बोलोगे सर अट्ठाइस बटे तीन सेंटीमीटर के बराबर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं ताकि हम सबको एक प्रॉपर मान में लेकर आ सके एक प्रॉपर वैल्यू में लेकर आ सके यहां पर तीन सात सेंटीमीटर के बराबर तो चार कितने के बराबर अट्ठाईस बटे तीन सेंटीमीटर के बराबर सवाल में एपी और पीडी का रेशियो पूछा गया है ठीक है सवाल में हमसे बोला गया है कि बताओ एपी और रेशियो में क्या होगा रेशियो में पीडी कितना होगा तो एपी का मान कितना है तो 28/3 है यहाँ पर और पीडी का मान कितना है तो पीडी का मान 4 है काटोगे तो आ जाएगा 7 तो रेशियो आ जाएगा 7 अनुपात 3 जो कि आपका 7 अनुपात 3 ऑप्शन नंबर जो सी है कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया बात कोई दिक्कत की बात ये चार और तीन में था ये भी चार तीन में ये भी चार तीन में इसका तीन सात के बराबर है तो इसका चार अट्ठाइस बटे तीन के बराबर होगा अट्ठाईस बटे तीन और चार का रेशियो पूछा है तो कितना होगा ठीक है यहां पर सात अनुपात तीन ठीक चलो शुभम कहते हैं सर आप मेरे सपने में आए थे चलो क्वेश्चन नंबर 21 भी हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 22 भी हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 23 भी हम लोगों ने कर लिया है 24 भी हम लोगों ने कर लिया है 25 पे आ जाओ 25 में अब देखो 25 वाला सवाल एकदम आसान है ठीक है ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 25 में देखो सेम तरीके से कहानी कही गई है एबीसी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है ए बी जो है वो पी क्यू का रेशियो दे रखा है ए डी इसका मीडियन है और उसका मीडियन मीडियन वो है मीडियन का है का का स्क्वायर पूछा गया अब देखो साइड रेशियो दो अनुपात तीन है और यहां पर ये कहा गया है ठीक है देखो कुछ भी नहीं है सवाल में मतलब फोटो बना लोगे तो समझ लो आप ऐसे ये आपका एक त्रिभुज है ये आपका एक त्रिभुज है ये त्रिभुज का नाम हमारा एबीसी है और ये त्रिभुज का नाम हमारा पी क्यू आर है साथ में सवाल में ये बात कहा गया है इसका ियन एडी है इसका मीडियन जो है वो तुम्हारा कितना है पीकी एडी जो है इसका मीडियन है मीडियन मतलब माधिका मीडियन का मतलब होता है क्या मीडियन का मतलब होता है यहाँ पर ये मीडियन ड्रॉ करोगे ये बराबर भागों में काटेगा उसी तरीके से यहां पर बोला गया है जो है 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 वो किसका मीडियन मीडियन इसका है। अब हमसे सवाल में बीडी का और क्यूएस का रेशियो पूछ रहा है भैया बी और क्यूएस क्या है खुद बता दो साइड ही तो है तो इनके साइड का रेशियो दो अनुपात तीन तो यहाँ पर हमारा जो बीडी आएगा और बट्टे में यहाँ पर क्यूएस आएगा इसका भी तो साइड का अनुपात दो अनुपात तीन ही होगा लेकिन साइड का रेशियो ना पूछकर उनके स्क्वायर पूछा गया है बीडी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर तो दो और तीन का क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी चार बटेनो कहा सवाल में दम है ये सब लिए हो ठीक है बताने की जरूरत ही नहीं है पे चलो आ जाओ 26 करवा दिया है आपको 27 नंबर सवाल देख लो ये 27 नंबर सवाल वही तीसरी वाली कैटेगरी है जिसमें बीच में जो है हम एरिया वेरिया वाला देता है तो आज की क्लास में ठीक है पहले क्वेश्चन करा देता हूं फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लो आप सत्ताईस में क्या बोला गया सत्ताईस में बोला गया ये हमारा एबीसी है ठीक है ये ट्रैंगल हमारा ए बी सी है ट्राइंगल ए बी सी में डी और ई e जो पॉइंट है वो ए बी और ए सी पर है साफ तौर पर डी यहाँ पर है और ई e यहाँ पर है फिर बोला गया है ये जो डी होता है वो बी सी के पैरल होता है बी सी का मान देगा कितना देगा आठ देगा यहाँ पे डीई का मान कितना देगा पांच दे दिया हमें यहाँ पे ए डी ई का मान कितना देता है एडी का मान हमें पैतालीस सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता है ठीक है और फिर उसके बाद हमसे बोलता है पूरा एबीसी का मान कितना होगा बताओ तो खुद बताओ यहाँ बच्चे वाला सवाल हो गया कि नहीं ये पांच है और ये आठ है तो साइड का रेशियो कितना है तो बोलोगे सर पांच अनुपात आठ तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा पच्चीस अनुपात चौसठ हो जाएगा बोलो यहां पर एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा पच्चीस अनुपात चौसठ ये किस ट्राइंगल की बात है तो एडी ई की बात है और बट्टे में किसकी बात है एबीसी की बात है क्योंकि जब भैया ये रेखा दोनों समानांतर तो सिमिलर साइड का रेशियो फाइव रेशियो एट है यहां पर ठीक है तो एरिया का रेशियो पच्चीस रेशियो चौसठ हो जाएगा अब सवाल में हमसे जो है यहां पर पच्चीस का मान कितना दिया गया है पैंतालीस दिया गया है और हमसे एबीसी का मान बोला है बताओ मान लो इसका मान एक्स है मान लो इसका मान कितना है एक्स है ठीक है पांच से काटोगे पांच बार में पांच से काटोगे नौ बार में इसको गुना करो यहाँ पे नौ चौके छत्तीस का छे आ गया है और नौ छोवन और तीन संतावन पांच सौ छिहत्तर बटे कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा पांच एकम पांच एकम पांच एकम पांच पचास पच्चीस

का पूछ ले ऐसे क्वेश्चंस नहीं अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी स्किप्ड मिलेंगे वो आपको करने हैं नहीं तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी उंगली पकड़ा दी तो पूरा का पूरा जो है आप लोग काम खराब कर दोगे ठीक है बहुत बेकार हो जाएगा हम लोग ज्यादा क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे ज्यादा कंसेप्ट को हम नहीं सीख पाएंगे जो हम सच में यहां सीखने आए हैं ठीक है तो ये सवाल हमने आपको एज एक्सरसाइज के फॉर्म में दिए प्रैक्टिस करेंगे अगली दो क्लासेस में पूरी की पूरी सिमिलैरिटी हमारी खत्म हो जाएगी सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी ठीक है क्योंकि हम लोग तीस नंबर पर है कुल मिलाकर अस्सी सवाल के करीब में पहुंचते हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है जो आपको करने हैं तो वो आप खुद से करेंगे ठीक है चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है सेम तरीके से देखो एरिया का रेशियो है ठीक तो, आप आप तो मिलते हैं कल ठीक है आज के लिए इतना ही और कल और परसों में पूरी की पूरी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रोवेंसी खत्म हो जाएगी किसी का कोई भी डाउट है तो पूछो यहाँ पे गुलशन कुमार कहते हैं सर प्लीज रिप्लाई मी वंस मैथ से डर छोड़ो ठीक है प्यार हो गया है पता नहीं क्या कह रहे थे दोबारा से गुलशन आप अपने कमेंट को जो है कॉपी पेस्ट करिए आदर्श कुमार कहते हैं सर आज आज बहुत ज्यादा हो गया आज रहने दीजिए ठीक है भाई मजा आ रहा है ठीक है छोड़ दिया आज मजा आ गया सर क्लास लेने में उतना कभी नहीं आया था चलिए बहुत अच्छी बात है अरिजीत त्रिपाठी सर हम आपकी तरफ फास्ट क्वेश्चन कैसे करें प्रैक्टिस करेंगे प्रतिभा तो होना शुरू हो जाएगा ठीक है सर आप इतने मेहनती टीचर हैं थैंक यू सर चलिए गुलशन बहुत अच्छे धन्यवाद आपको भी ठीक है आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो हम मेहनती हैं चिंता क्यों कर रहे हो मैं बार बार कहता हूँ यार कि आप पढ़ोगे तो हम अच्छा पढ़ाएंगे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे ठीक है आप पढ़ते जाओ बस मन लगा के ठीक है इतने एक एक चीज को बार बार बताना हर क्लास में आके उस कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करवाना कोई टीचर इतना करता नहीं है एक बार पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया दोबारा तुम्हारी जिम्मेदारी है देखना सीधा ये स्टेटमेंट होता है लेकिन मैं जानता हूं कि थोड़े आप लोग भी जो है बदमाश हैं और थोड़ा सा कम मन लगाकर पढ़ते हैं इस वजह से मैं सोचता हूं चलो दोबारा बता देते हैं ठीक है तो थोड़ा पढ़ाई क्या करो चीजों को रिवाइज क्या करो अच्छा कर लोगे ठीक ठीक है है पता है, है चलो सर गुरुकुल में जो टेस्ट होता है हमें प्रोवाइड करा दिया करो ठीक है सारे टेस्ट तो प्रोवाइड नहीं करवा सकता ठीक है कि हिस्ट्री का हो गया ज्योग्राफी का हो गया क्योंकि उतना टाइम है नहीं मैथ्स मैथ्स का करवा सकता हूं परसेंटेज का टेलीग्राम पर डाल दिया था प्रॉफिट लॉस का टारगेट हुआ है वो भी डाल देंगे ठीक है सर कुछ क्लास छूटे हुए हैं अगर आपकी कुछ क्लासेस छूटी हैं तो आप उनको पहले कंप्लीट करें आपका अप्रोच बेस्ट है धन्यवाद फील आ गया <laughs> चलो गुरुजी गगन का पेड़ बैर से छोड़कर आपका लिया है मेंस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं चलिए बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए देखो यार किसी का छोड़ के लेने की जरूरत नहीं मतलब ऐसा नहीं है जहां पर भी आपको जिस भी टीचर का समझ में आया ना फ्री है पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है इसी बात से कुछ बच्चों और कुछ लोगों की थोड़ी सी सुलगी हुई है <laughs> सूजी हुई है <laughs> सूजी है सूजी है बट कोई बात नहीं सोचने देंगे जाने देंगे <laughs> कि हमारे बच्चे कैसे चले गए सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हमारे बताओ यूट्यूब पर भी टेलीग्राम पर भी तो लोगों को दुख है कि हमारे व्यूज हमारे सब्सक्राइबर कैसे चले गए ठीक है योर कंसेप्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट देन अदर्स बहुत अच्छे धन्यवाद देखो यही बातें है ना आप लोगों को बताया करो एक बात को मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ मैं अपनी प्रमोशन में खुद नहीं कर सकता मैं लोगों से ज्यादा कि मैं ये बात नहीं कह सकता कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूं मैं बेकार पढ़ाता हूँ मैं ऐसा करता हूँ ये बात आप दुनिया तक पहुंचा सकते हो आप लोग मुझसे पढ़ते हो आपको पता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूं तो दुनिया को बताओ कि अच्छा पढ़ा रहे बुरा पढ़ा रहा हूं तो वो भी बताओ ठीक है ताकि अगर बुरा पढ़ा रहा हूं तो कोई किसी का कटे नहीं सीधी सी बात है और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो भाई

आपको खुद पता है कितने कम फीस में कितनी चीजें आप सीख पा रहे हैं तो पूरी दुनिया तक ये बात का जो है ढिडोरा पीटिए ताकि फायदा हो आपके अपने टीचर जो आपके लिए इतनी कम फीस में पढ़ाते हैं क्यों पढ़ाते हैं अगर एक बात बताओ मैं क्या करूं कि फीस बढ़ा दूं जो पैसे आएंगे उसको मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा जाके क्या फायदा उससे बढ़िया मैं यही सोचता हूं कि मार्केटिंग पर खर्च करने से बेहतर है कि उतना फीस बच्चों पर कम कर दिया जाए और वो खुद जो है हर किसी को बता दिया करेंगे समझ रहे हो जैसे मानो एक नेता है अपने पोस्टर लगवाने से बेहतर है कि जितना पैसा वो एडवर्टीजमेंट में खर्चा करेगा उतना जनता की सेवा कर दे और जनता खुद जो है वो दूसरे को बता देगी कि भैया ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं तो ये चीजें हो जाती हैं। आप आराम से तसली से पढ़िए आपको अच्छा लग रहा है आप दुनिया को बताइए अच्छे लोगों को बताइए ठीक है बिल्कुल बहुत जरूरी है चलिए तो लव यू ऑल मन लगाकर पढ़ाई करो कल की क्लास और सुपर एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि कल होंगे सिर्फ और सिर्फ धासु क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन तो मिलेंगे कल की वीडियो में ठीक है धन्यवाद